अस्सलाम वालेकुम नाजनी, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल क्योंकि विद नाजनी सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू नोटिफिकेशन टाइम के आपको मिलता रहे। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज की जो सी रेसिपी है वो है शिमला मिर्च आलू, और वो कैसे बनेगी इसकी तरकीब हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने टमाटर रखे हैं, प्याज, इसका हम लोग मसाला तैयार करेंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और आपको दिखाते हैं कि शिमला मिर्च और आलू, क्योंकि शिमला मिर्च हम लोगों ने चिकन और शिमला मिर्च कीमा ये रेसिपी हम ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर चुके हैं, तो आप लोग मतलब देख भी सकते हैं, हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। लेकिन आज जो हम लोग डिफरेंट बना रहे हैं, मतलब दोनों सब्ज़ियाँ बना रहे हैं, चिकन या हम लोग कीमे में नहीं इसको बना रहे। तो अब शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को और आपको दिखाते हैं। तो हम लोग अब इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर रहे हैं, थोड़ा सा हम लोगों ने कुकिंग ऑयल लेना है। इसके अंदर जो से प्याज अभी मैंने आपको दिखाए हैं वो हम लोगों ने लाइट गुलाबी कलर के करने हैं, मतलब हमने ब्राउन करने, लाइट गुलाबी करके हम लोग फिर इसके अंदर बाकी जो सी चीज़ें वो डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोग ने जो सी रेसिपी उसको शुरू कर लिया, अच्छे से उसको मिक्स करेंगे। तो प्याज़ों को लगेगा थोड़ा सा टाइम, तो अभी हम लोग लेते हैं छोटा सा ब्रेक, तो वापस आते हैं और आपको दिखाते हैं कि प्याज गुलाबी होने के बाद किस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप जो है अपनी आज की रेसिपी को तैयार किया। आपको देखो, तो हम लोग लाइट से कलर की कलर अभी इसका ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, तो हम लोग इसके अंदर वही टमाटर जो वीडियो के शुरू में हमने आपको दिखाए हैं इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। अब इसको अच्छे से हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। तो अब थोड़ी देर तक हम लोग जब तक प्याज और ये टोन से टमाटर नरम नहीं हो जाते इसको अच्छे से पकाते हैं और फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। तो थोड़ी देर पकाने के बाद हम लोगों ने जो इसके अंदर वो स्पाइसेस ऐड करने हैं और फिर हम लोग इसको पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि आज की रेसिपी हमारी जैसे है शिमला मिर्च आलू की है। तो हम लोग यहाँ पर पहले मसाला तैयार करें, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून हम लोगों ने जो है इसके अंदर वो सॉल्ट ऐड किया है और हाफ़ ही टेबल स्पून हम लोग जो है वो हल्दी। और हाफ टेबल स्पून ही हम लोग जो है इसके अंदर वो सुरख मिर्च पाउडर शामिल करें, इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग इसके अंदर क्या चीज़ शामिल करेंगे, आलू शामिल करेंगे या शिमला मिर्च शामिल करेंगे, वो आपको देखना होगा, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। तो 10 से 15 मिनट हम लोगों ने इस मसाले को अच्छे से भून लेना है, कि जितना अच्छा भूना जाएगा उतना ही मज़ेदार सा जो है हमारा मसाला तैयार होने के बाद हमारी जो सी वो रेसिपी अच्छी थी। हम लोगों ने मसाला जो है अच्छे से भून लिया है, अब हम लोग इसके अंदर जो है वो आलू शामिल कर रहे हैं। आलू शामिल करने के बाद हम लोगों ने इसको पकने के लिए रख देना है। तो हाँ, आप लोग शेप दे सकते हैं कि हम लोगों ने किस शेप में आलू काटे हैं, ना हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बड़े शेप में काटे हैं ना छोटे शेप में, क्योंकि शिमला मिर्च के साथ हम लोग बना रहे हैं तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रखा है इस शेप का। लेकिन आप लोगों को जिस शेप में पसंद है आप लोग इस शेप में काट सकते हैं, इट्स नॉट मतलब नेसेसरी कि आप लोगों ने इसी शेप में काटना है जिसमें हम लोगों ने करना, लेकिन हम लोगों ने एक आइडिया दिया क्योंकि जो रेसिपी हम तैयार कर रहे हैं उसमें इसी शेप के जो से आलू हैं वो मतलब बेहतर रहेंगे कि आप उसे काटें। इसको अच्छे से हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। मसाला बहुत अच्छा तैयार हो गया, शक्ल भी आप लोग देख सकते हैं, खुशबू भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। तो अब हम लोग इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि आलुओं को पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसीलिए हम लोग आलुओं को पहले डाल रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद हम लोग शिमला मिर्च, शिमला मिर्च तो आप लोगों को पता सॉफ्ट होती हैं और जल्दी ही वो हो जाएगी दम के अंदर। तो आलू हम लोगों ने इसके अंदर डाल के पकने के लिए इसको रख दें, तकरीबन 10 से 15 मिनट हम लोग इसको पकाएँगे, या जब तक आलू ना गल जाए आप लोग इसको पकाएँ, और उसके बाद जो है वो शिमला मिर्च को इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे। इसको हम लोग ढक देते हैं और पकने के लिए रख देते हैं। हम लोग देखते हैं जो से आलू वो गल चुके हैं कि नहीं। जी बिल्कुल, जो से आलू हैं वो गल गए हैं। तो अब हम इसके अंदर शूटिंग हो रही है, तो अब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। इसको अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे। पहले हम लोगों ने जो से आलू वो तैयार कर लिए हैं, तो अब हमने इसके अंदर जो सी शिमला मिर्च वो डाल दी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी रेसिपी जो सी है हमारी तैयार हो रही है। तो ये बस उम्मीद करते हैं कि आपको आज की जो सी रेसिपी हमारी पसंद आएगी, पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद उन सी अच्छी अच्छी की नोटिफिकेशन टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहें। आ जाओ आ जाओ।
आज नंगे पूरी आ जाओ। तो हाथी भी बना रही है? हाँ जी। कहाँ आ रहे हो? इधर से इधर से। इधर से इधर से? क्या बा रहे हो आप बताओ तो सही। आलू मिर्च। आलू मिर्च? अच्छा जी। आग तेज करनी है। अब इसको अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे और फिर हमारा छोटा बच्चा नाराज हो गया। हांडी पता उसको लेके आओ भाई, हमारे बच्चे को नाराज नहीं करना। लेके आओ उसको भाई, लेके आओ आप। नहीं 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 जाना आपने, अभी नहीं जाना, अभी नहीं घर जाना आपने। आप मम्मा का खाना बना रहे हो? क्या पा रहे हो? आलू चने। आलू शिमला मिर्च चूल्हे पे पीछे रो, उसको ढक के पकने के रख देते हैं, आपको दोबारा दिखाते हैं। हम लोग देखते हैं कि आज दिनों से मेरी रेसिपी है वो फाइनल हो चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ बिल्कुल, जो सी रेसिपी फाइनल हो चुकी है, आलू भी गल गए शिमला मिर्च भी। तो अब इसको डिश आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो सी आज की रेसिपी है फाइनल हो गई। ये है उसका फाइनल लुक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी हमारी आज की रेसिपी पसंद आए, कि पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें। और इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। हम आपके लिए दुआ को हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।